हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल एसएस इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशन। तो आज का जो वीडियो है वो बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। ये जो रोटरी वाला चार्जर है, देखिए इसका ये जो तार जलने का कारण, बार बार ये तार जलती है, क्यों जलती है, किस वजह से जलती है और इस प्रॉब्लम को कैसे सही करें। तो ये बोल रही थी कस्टमर ने कि भाई दूसरे मैकेनिक के पास लेते गया था, तो जब भी लेके जाती हूँ ये जोड़ देती है तो एक महीना ऐसे चलती है, चलने के एक दो महीना चलती है, चलने के बाद तो फिर से इसका जो तार है ये जल जाती है। तो इस प्रॉब्लम को आज हम फिक्स करेंगे और वो कैसे करते हैं देखिए आप लोग, ये बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है क्योंकि आपको YouTube पे ऐसे वीडियो नहीं मिलेगा। और इसको अगर आप सोल्डिंग करोगे ना फिर भी यही प्रॉब्लम रहेगा, क्योंकि पहले जो बंदा था देखिए वो सोल्ड किया हुआ था, आप देख सकते हो वो सोल्डिंग किए थे लेकिन फिर भी ये जल गया, क्योंकि अगर आपके एल्युमिनियम और जो कॉपर है ना इसके साथ अच्छे से सोल्डिंग नहीं होती है। अगर आप वो पेस्ट वगैरह जो कुछ भी दे रही हो देने के बाद भी अच्छे से सोल्डिंग नहीं होती है। हमारे पास भी पेस्ट है, ठीक है, ये देकर सोल्ड करने से अच्छे से सोल्ड नहीं होता है। तो इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए हम एक चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, और वो सभी सब आप लोगों को भी पता है वो कौन सा वाला चीज़ है। देखिए ये जो नट और बोल्ट है इसके मदद से हम इस प्रॉब्लम को फिक्स करेंगे और एक कभी भी नहीं जलेगा, कभी भी नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा कभी भी इसको लगाने से। तो चलिए हम इस प्रॉब्लम को फिक्स करते हैं। देखिए हम कैसे इस प्रॉब्लम को फिक्स कर दें। अच्छे से इसके साथ जोड़ लेना है, ओके हमने जोड़ लिए। अब हमें इसके अंदर ऐसे दे देना है और इसके बाद देने के बाद इसको टाइट कर देना है। जो तार जलने का जो कारण हमारा परमानेंटली ये सॉल्व हो जाएगा। तो हम इसको फिक्स करने का कोशिश करेंगे। ये जो फैन का तार टूटी हुई है इतना बड़ा आयरन से नहीं, हमारा ये जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका है। तो अगर आप लोगों के पास ऐसा कोई प्रॉब्लम आए, बार बार तार जल रही है, तो आप लोग ऐसे ही ट्रिक आजमा के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। एक छोटा सा ट्रिक है, ठीक है, बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए। चलिए आज का वीडियो बस इतना ही,